पर जैसे आप सभी जानते हैं कि इट इज नॉट सो इजी फॉर अ महिला, हमने आपको साबित करना था मुझे, पर इन सभी चीजों के साथ मेरी एक इच्छा यह भी थी कि एक बेहतर बिजनेस वुमन कहलाऊं मैं। एट वी बिलोंग में अपने को न्यू चीजें भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सो यस, इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू कोप अप, क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ चुके थे, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आ चुके थे। बट यस, आई फील इट कैन ऑल्सो, अगर आपने कुछ ठान लिया है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो यू हैव टू सेट योर प्राइस। जिस जगह मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए, और उसकी मैं हमेशा प्रायोरिटी रखती हूँ। एंड वुड बी कि आप हमेशा अपनी टू डू लिस्ट रेडी रखें, कि हम एक आप मंथ की टू डू लिस्ट बना दीजिए, आप एक वीकली टू डू लिस्ट बना दीजिए, और एक डेली टू डू लिस्ट होती है। जैसे आप अगले दिन जब सुबह उठे तो आप में ये होना चाहिए कि हाँ, मेरे आज मॉर्निंग से मुझे ये काम बाय द एंड ऑफ द डे ये पूरा करना है। सो आई एम श्योर अगर ये कर लोगे तो देर इज अ नेवर स्टॉपिंग थिंग। फिर प्लान इन एडवांस द थर्ड पॉइंट वुड बी, मुझे किसी भी काम, चाहे तो बच्चों की पढ़ाई हो, फैमिली कमिटमेंट हो, या तो बिजनेस हो, कल पर टालना नहीं पसंद है। यू कैन हैव योर कैन डू एटीट्यूड। कैन डू एटीट्यूड मीन्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी से मुझे आपको रिमाइंड करती रहती हूँ कि व्हाट मेक्स मी हैप्पी। व्हेनेवर मैं कोई टेंशन वाली सिचुएशन में हूँ, या तो कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझसे हो नहीं रही है, तो फिर आई रिमेम्बर दैट फ्यू पॉइंट्स जो शायद बच्चों ने मुझे कहा होगा या कुछ अच्छा, एंड ट्राई टू गिव योर 100%, चाहे वो घर हो या बिजनेस। अच्छा, मैं ये चीज एक छोटे से और उसको काटने को कहा, उसमें से एक आदमी जो फर्स्ट व्यक्ति था वो उस लकड़ी के टुकड़े को कंटिन्यूस काटता रहा जब तक टाइम खत्म नहीं हुआ। पर जो दूसरा व्यक्ति था उसने थोड़ी देर लकड़ी काटी, फिर थोड़ी देर ब्रेक लिया, थोड़ी देर फिर वापस अगेन स्टार्ट हो गया। सो मतलब बीच बीच और यह चीज़ें अपना कर आप डेफिनेटली एक गुड हाउस वाइफ बन सकती है। मैं छोटी सी एक कहावत मतलब चीज़ कह के अपने स्पीच को एंड करना चाहूँगी। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। मुट्ठी भर जमीन अभी तो तोला है, मुट्ठी भर जमीन अभी तो आसमान तोलना बाकी है। This is absolutely true. ना स्त्री रत्न समम ही नहीं जीवन दायिनी भी हूँ, मैं एक परछाई मात्र नहीं, मैं हाँ एक संपूर्ण अस्तित्व हूँ, कार्य बिजनेस ग्रोथ टिप्स अपने व्यवसाय सक्सेस किया, बार बार आभार व्यक्त करती हूँ हमारे आगंतुक बहनों का जो यहाँ पधारी और इतने समय तक, इतने लंबे समय तक इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे जागरूक मृदुभाषी अध्यक्षा जी, मंत्री जी का, जो केंद्र निर्देशित सभी प्रोग्राम को बहुत जागरूकता के साथ संपन्न करती है और हम सबको आगे लेकर इसको प्रोग्राम को चलाती है। आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ के कुलदीप जी, नाहर साहब जगह प्रदान करी और उनके लिए बार बार आभार। अंत में मैं सभी बहनों से गर्वित निवेदन करती हूँ कि जो हमने आतिथ्य रखा है वो आतिथ्य स्वीकार कर बधाई। ओम मिस्टर डोज के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित थे, तो आप सभी लोग वो प्रेरणाएं अपने साथ ले जाएं, अपने परिवारों को दो, जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उन्हें जरूर ये प्रेरणाएं ट्रांसफॉर्म करें। साथ ही साथ अनुविभाग के अनुव्रत के 75 साल पूरे हो रहे हैं, 75 साल, ये 76वां साल है, यानी कि डायमंड जुबली अनुव्रत सेलिब्रेट कर रहा है,
तो अभी पीएससी होल्डर्स का सभी का सम्मान हुआ, उनके प्रति मैं मंगल कामना करते हुए आप सभी को भी मैं सूचना देना चाहूंगा कि अनुव्रत से रिलेटेड, अनुव्रत के जो 11 नियम है या अनुव्रत से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर अगर आप पीएससी करना चाहते हैं तो अनुविभा उनको स्कॉलरशिप दे रही है, कंप्लीट स्कॉलरशिप उनको अनुविभा दे रही है। वो हमसे या संजय जी जैन से संपर्क कर सकते हैं। उदयपुर के कोई भी व्यक्ति अगर इस संदर्भ में पीएससी करना चाहता है तो वो स्कॉलरशिप अनुविभा के द्वारा दी जा रही है। सेकेंडली 26 मार्च को तिरापंत कन्या मंडल के तत्वावधान में एक वर्चुअल इवेंट हो रहा है, पर्सन ऑफ आई, जिसमें पॉजिटिव ऑरा मेकिंग, सकारात्मक आभा मंडल क्रिएशन का एक वर्चुअल इवेंट हो रहा है, जिसमें देश के प्रमुख और मशहूर जो स्पीकर्स हैं वो लोग वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। तो आप सभी बहने भी उसमें जुड़े, तिरापंत कन्या मंडल के राष्ट्रीय प्रभारी की इच्छा है कि महिला मंडल के भी सभी सदस्य जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, ऑब्वियसली सभी यूज करते हैं, तो सभी लोगों को उसका हिस्सा बनना चाहिए। कार्यक्रम के समय आदि की जानकारी आपको महिला मंडल की सूचनाओं में मिल सकेगी। इन्हीं सूचनाओं के साथ 20 तारीख तक हम तुलसी निकेतन में प्रवासित हैं। शाम को 8 से 9 क्लासेस होती हैं, 2:30 से 3:30 मुनिश के दर्शन हो पाते हैं और 7 बजे सुबह मंगल पाठ होता है। तो आप सभी के प्रति पुनः पुनः मंगल कामना और सीमा जी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। शतारी मंगलम, अजंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, श्याम मंगलम, केवली पंडितोत्तम मंगलम, शतारी योगतम, अजंता योगतम, सिद्धा योगतम, शाहू योगतम, केवली पंडितोत्तम योगतम, शतारी शरण भवजामि, अरहंते शरण भवजामि, सिद्धे शरण भवजामि, साहू शरण भवजामि, केवली पंडितम धम्मम शरण भवजामि, विघ्न हरण मंगल करण स्वामी शुभुना गुण ओरम स्मरण सरण चिंता सरण चिंता प्रेरणा सम्मान चेतना जी को मिला। उस टाइम मैं जब बोल रहा था चेतना जी उपस्थित नहीं थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये सम्मान ये डिजर्व करते थे और ये सम्मान खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चरण में हम लोगों ने अहिंसा और हिंसा के बारे में सुना, स्पेशली महिलाओं से जुड़ी हुई बात हुई, जहाँ पर कॉस्मेटिक से लेकर या हम लोगों के जीवन व्यवहार से लेकर सारी क्रियाएं जो होती हैं उन क्रियाओं में हम कहीं अहिंसा ढूंढ सकें, हमारी वजह से किसी प्राणी को किसी जीव को तकलीफ नहीं हो, यह प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में प्रेरणा सम्मान था, डॉक्टर चेतना जी खाटी को एक प्रेरणा सम्मान दिया गया क्योंकि वो एक उदयपुर में रहते हुए महिला समाज को गौरवान्वित कर रही है, नारी शक्ति को गौरवान्वित कर रही है, तो ये प्रेरणा सम्मान उन्हें दिया गया। और साथ ही साथ रूमा देवी जी की उपस्थिति थी, जो ब्रांड एम्बेसडर है राजीविका जी के, इनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये एक प्रेरणा स्रोत बनी यहाँ पे सभी बहनों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, कि महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में होकर कहीं भी जा सकती हैं। तो तीसरे चरण में पीएससी होल्डर जो तिरापन समाज के थे उन सभी का अभिनंदन किया गया। और चतुर्थ चरण में हम लोगों ने एक नई सोच के साथ उन लोगों का आगे लाने की कोशिश की जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, तिरापन समाज से जुड़े हुए जैन समाज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस को खुद हैंडल कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस टाइटन्स हैं, उन सभी बिजनेस टाइटन्स को हम लोगों ने यहाँ पर मंच पर लाकर और उनसे सभी महिलाओं से बात करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम, एक महत्वपूर्ण जरिया बनने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये जो कार्यक्रम था ये महिलाओं के लिए इंस्पायरिंग रेज के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा जो किचन में रह जाती है, बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी खर्च हो जाती है। तो यहाँ जो महिलाएं पहुँची हैं वो प्रेरणा दे रही है कि बच्चे और किचन के साथ साथ भी और भी कुछ किरदार हैं आपके, और भी कुछ रोल्स हैं जिनके निभाते हुए, जिन्हें निभाते हुए आप एक रोल मॉडल के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर श्री रूमा देवी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैम इसके बारे में जी, आज मैं उदयपुर में हूँ, महिला मंडल का प्रोग्राम है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो आज इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने फील्ड में भी जहाँ पे भी हैं, जैसे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं और अपने कैरियर की शुरुआत करें। मैं हमेशा महिलाओं को ये कहती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़ें। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़ें, स्वावलंबी बने। अगर खुद पर विश्वास है तो अड़े रहें, खड़े रहें। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ तो आपको कैसा लगा? उसके
आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मुनि जी के सानिध्य में अभी जो महिलाएं हैं, 13-15 जो महिला मंडल की जो बहनें हैं, ये बहुत ही एक्टिव है और अपने अपनी जगह पे सब बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं इनसे अनुरोध करूँगी कि आप आगे भी ऐसे ही काम कार्य करते रहें और अप...